बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन की एक न्यू रेसिपी, जो बनाने में बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार है। दोस्तों इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको धो लेना है, धो के साफ़ करके 10 मिनट के रख लेना है ताकि इसका पानी निकल जाए छलनी में। हरी मिर्ची 6 अदद, एक चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत, 2 अदद नींबू, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, लौंग 4 अदद, दही 1 पाव, आयल हम लेंगे तकरीबन 20 ग्राम, लहसुन 1 चम्मच। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हम सारे मसाले मिर्ची को भी काट के हम इसमें शामिल कर देंगे। दही 1 पाव हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन 1 नींबू हम इसमें निचोड़ के डाल देंगे, 1 नींबू हम रख लेंगे, उसको बाद में हसबे ज़रूरत डाल देंगे। अब 1 चम्मच हम लहसुन इसमें शामिल करके इसको मैरिनेट कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करना है। आधे घंटे के बाद अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, बिल्कुल हल्का ऑयल डालना है इसमें, 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना है, ये आप देख लें। अब हम इसमें इसको गर्म होने के बाद हम इसमें मसाला चिकन डाल देंगे, अच्छी तरीके से इसको पकाने के बाद हम इसको हल्की आंच कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। अब हम एक रोटी का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर कोयला अंगारा रख देंगे, अब हम इस अंगारे के ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल डाल देंगे और अखबार का दम देके इसको ढाँप के अच्छी तरीके से दम दे देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रखना है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। ये आप देख लें बिल्कुल हल्की आंच पे। अब हम इसको खोलेंगे, ये आप देख रहे हैं, अब हम अंगारा और रोटी का टुकड़ा निकाल देंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। अब दोबारा हमने ढाँप दिया था तो अब हम इसको, ये आप देख लें अभी घी छोड़ने लगा है, बिल्कुल कम घी हमने डाला था, बिल्कुल कम घी इसमें है, बहुत मज़ेदार और टेस्टी है। मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बाकी जो बकाया नींबू था हम इसमें अब शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। दोस्तों अब हम इसको निकालेंगे, ये आप देख लें इस तरीके से, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी।
मिलते हैं किसी नई और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।